मध्य प्रदेश के वनों की बायोडायवर्सिटी पूरी दुनिया में अनूठी है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का। भोपाल के प्रशासन अकेडमी में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ की फॉरेस्ट के प्रति रुझान देखकर वन मंत्री उमंग सिंघार ने भी सीएम के अनुभवों से लाभ लेने की बात कही। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ सीएम कमलनाथ और वन मंत्री ने वनों के संरक्षण के साथ आम लोगों और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात कही। इस दौरान वन पुस्तिका और प्रतीक चिन्हों को भी जारी किया गया। त्रैमासिक पत्रिका वनांचल संदेश वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन मैप ऑफ मध्य प्रदेश बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी जो है आज दुनिया जैसे मैंने कहा बदल दी। जो हमारा वन उपज है इसके ऊपर कितनी रिसर्च हो रही है, जड़ी बूटी होए, हमारा चिरौंजी होए, हमारा हर्रा हो, जो भी होए, कितना इस पर रिसर्च हो रहा है। पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चेंज हो रही है टू नॉन केमिकल फार्मास्यूटिकल, एंड ऐसा कोई प्रदेश नहीं है देश में जो अपने प्रदेश जैसे है जहां हमारी बायोडाइवर्सिटी से जो हो नहीं सकती कहीं और। इस पर भी आपका ध्यान जाए। जो लघु वन उपज है, लघु वन उपज इज विल बी अ वेरी मेजर मैटर फॉर द फ्यूचर, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी फ्यूचर के लिए। तो जो क्रिटिकल हमारे बायो ये एरियाज हैं, बायोडाइवर्स एरियाज, चाहे हर लघु उद्योग, इनको हम कैसे केवल सुरक्षित ही ना रखें, कैसे वहां एक नई योजना बनाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको स्टेटिक्स तो मेरे ख्याल से कमलनाथ जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद ही केंद्रीय मंत्री रहे और फॉरेस्ट को बहुत करीबी से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे मुझे सीखने की आवश्यकता है बहुत सी चीजें, और कई मीटिंगों में देखता हूं कि जिस प्रकार से आप फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसका मैं समय समय पे ध्यान भी रखता हूं आपके विजन को, विशेषकर आपके फॉरेस्ट से किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक कंक्रीट की एक इमेज ड्रॉ की जाती है, लेकिन इस विभाग में का मंत्री होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते, मैंने भी इस बात को समझा, गहराई से समझा कि जिस प्रकार की इमेज बनाई जाती है वो इमेज है नहीं। सब सहयोग करना चाहते, सब अधिकारी और जैसी मंशा है कि वे किस प्रकार से वन समितियों को, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो समितियां हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, और चूंकि हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात रही है और ये जो 15,000 समितियां हैं इसमें करीब 40 से 45 लाख लोग हैं जो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, ये मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी अगर आप तो विशेष प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे वन है, वन की जो बायोडायवर्सिटी है, तो आज अपने वन फॉरेस्ट एरिया को, वन क्षेत्र को सुरक्षित रखना
बहुत आवश्यक है। साथ साथ सुरक्षित रखते हुए हमें इसमें टकराव ना हुए, जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ टकराव ना हुए, ये आज चुनौती है। उनको कैसे इस प्रोटेक्शन में सम्मिलित किया जाए, इसके लिए एक नई सोच की आवश्यकता, यही मैंने बात कही। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।